कटनी ब्लॉक समिति वालों बस स्टैंड की पर्ची की बोली करवाई गई है और 2018 तो बाद बड़े लंबे समय बाद ये बोली हुई है। एक टाइम 2021 बोली हुई थी और उस तो बाद लगातार ही जो वीडियो साहब ने दसिया कि नक्सल चलता आ रहा है, कोई जिन्हें कोई समिति के मैंबर साहबान ने जां सरकार के जिहड़े नुमाइंदे ने उन्होंने दौरान जां ठेकेदारां दे दौरान है और लोगों की जिहड़ी लुट खसुट हो रही थी, इहदे नाल जो जिहड़े ठेकेदार पुराने लुट खसुट करदे सीगे जां जिहड़े कोई समिति के मैंबर जां जिहड़े कोई चेयरमैन विच रले होए सीगे नाल उन्हां दे, और जिहड़ी लुट खसुट होंदी सी उन्हां दा फायदा सरकार नूं नहीं हुंदा सी और फायदा जिहड़ा पोलीटिकल लोगों नूं हुंदा सी। इह पहली वारी होगा कि सरकार नूं जिहड़े पैसे वध आ रहे आ और सरकार दे दफ्तर जो खजाने खाली का रौला पाते हैं जिहड़ियां सरकार पाई रही और खजाने में असं पूरा भर के इतों जावा किसी भी सरपंच कोई सरपंच बांह खड़ी करके दस दे या कोई मैंबर पंचायत बांह खड़ी करके दस दे या कोई होर इंसान बांह खड़ी करके दस दे कि साडे कोलों जिहड़े पैसों का लैण देण किसी ने किया और इमानदारी नाल लोगों की सेवा करन दी। पिछले साल जो बोली हुई थी 13 लाख तो 27 लाख हुई थी उहदी और हुण जिहड़ी बोली हुई है 27 लाख तो 40 लाख तकरीबन 27 लाख का वाधा साल के साथ साइकल स्टैंड की बोली होया। सो यह भी बड़ी वड्डी अचीवमेंट और हरेक साल सरकार बनिया एक साल के 74 लाख रुपया सरकार को इनकम वाद करवा के और सरकार के खजाने भरन का यतन किया और यहाँ मैक्सर चलता रहा उन्होंने दूर करने का यतन किया और जो जितने गुंडा टाइप लोग सके जो पुराने अंसर से इतों उन्होंने इतों असी कढ़ने का यतन किया। सब तो पहला तो मैं सारे अपने प्रेस वाले जिन्हें भी वीर है उन्हों का धन्यवाद करदा कि तुसी साडे एक निक्के जे सद्दे दे उत्ते इत्थे पहुंचे हो और अज दी जिहड़ी तुहानू बुलाउण दा मुख मकसद है कि कल साडे दसूहा शहर वास्ते दसूहा हल्के वास्ते एक बड़ा वड्डा दिन सीगा क्योंकि कल जिहड़ी ब्लॉक समिति वल्लों बस स्टैंड दी पर्ची दी बोली करवाई गई है और 2018 तो बाद बड़े लंबे समय बाद ये बोली हुई है। एक टाइम 2021 बोली हुई थी और उस तो बाद लगातार ही जो वीडियो साहब ने दसिया कि नक्सल चलता आ रहा है, कोई जिन्हें कोई समिति के मैंबर साहबान ने जां सरकार के जिहड़े नुमाइंदे ने उन्होंने दौरान जां ठेकेदारां दे दौरान उन्होंने दूर करने वास्ते असी सारिया ने बड़ी मेहनत की है और जिहड़ी कल ब्लॉक समिति वालों वीडियो साहब वालों SDM साहब वालों बोली करवाई गई है उसके विच एक तो सब तो वड्डी गल हुई कि बिल्कुल पारदर्शिता दे नाल बोली हुई है और हर एक बंदे नूं बोलीकार नूं इह खुल सीगी वी तुसीं जिन्ने मर्जी अमाउंट तक बोली दे सकदे हो और देखो कितनी हैरानी वाली गल है कि पिछले जिहड़े जे 5 साल दे मैं तुहानूं रिटर्न दे विच वी आपां दे देंगे और कल जिहड़ी बोली हुई 1 करोड़ 2 लाख रुपए बस स्टैंड की पर्ची की बोली हुई है और जिहड़े पिछले 2018 तो बाद जिहड़ी हुण 5 साल दे विच जिहड़ी उस तों वाधा किन्ना अपना तकरीबन 47 लाख रुपए का वाधा साडा होया। सो बड़ी एक मैं कह सकदा कि सरकार की बड़ी वड्डी अचीवमेंट है और मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और पंजाब के पंचायत मंत्री सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी की योग अगवाई दे विच जो उन्होंने कहा सीगा कि इमानदारी दे नाल और पारदर्शिता दे नाल लोगों की सेवा करनी है और मैनूं माण भी है कि असी जिहड़ी साडा इह ब्लॉक समिति का जिहड़ा प्रशासन है इतों का सारा जिन्हें भी इतों BDO साहब ने जां सैकटरी साहबान ने जां जिन्हें भी जई साहबान और जिन्ना भी सारा इतने अमला है और एक साल की जी टनेर सा गुजरी है और पूरी इमानदारी और किसी भी सरपंच कोई सरपंच बांह खड़ी करके दस दे या कोई मैंबर पंचायत बांह खड़ी करके दस दे या कोई होर इंसान बांह खड़ी करके दस दे कि साडे कोलों जिहड़े पैसों का लैण देण किसी ने किया और इमानदारी लोगों की सेवा करने का यतन किया। और इस तो पहला जी पिछले महीने बोली हुई थी साइकिल स्टैंड देख लो पिछले साल जो बोली हुई थी 13 लाख तो 27 लाख हुई थी उसकी और हुण जिहड़ी बोली हुई है 27 लाख तो 40 लाख तकरीबन 27 लाख का वाधा ये साल के साडी साइकल स्टैंड की बोली दे होया। सो यह भी बड़ी वड्डी अचीवमेंट है और हरेक साल सरकार बनिया एक साल के 74 लाख रुपया सरकार को इनकम वध करवा के और सरकार के खजाने भरन का यतन किया और ये पैसों के नाल जिथे पिंडा की डिवेलपमेंट होनी है अपने होर जिहड़े प्रोजेक्ट असी सोचे हुए ने अपने पिंडा दे विच ओह पूरे होने हैं कहण तो भाव है कि इमानदारी नाल जिहड़ा जो पहला नक्सल चलता रहा उन्होंने दूर करने का यतन किया है और जो जिते गुंडा टाइप लोग सके जां कोई पुराने अंसर सके इतों उन्होंने इतों असी कढ़न का यतन किया। इस तों अलावा जिहड़ी तलवाड़े की भी मैनूं लगता इतिहास रचिया गया इस बार पहली बार नहीं तो तलवाड़े अज तक कभी साइकिल स्टैंड बस स्टैंड की बोली नहीं हुई अच्छा
और मैं लगता कि जदों का 50-60 साल तो बाद जाके वो उत्थे बोली हुई है और सारिया सहूलत उन्होंने लोगों को दित्तियां जा रही और इतने भी जी बस स्टैंड से जो वीडियो साहब वालों हदायत ने सारिया फुलफिल करांगे और जिहड़ियां उत्थे शर्तां होणगियां उह ठेकेदार दे कोलों आपां पूरियां करवावांगे और लोगों को किसी तरह की भी मुश्किल आपां नहीं आउण दित्ती जाएगी। और मैनूं बड़ी माण है कि आपां एक जिहड़ी सरकार लोगों ने आम लोगों ने चुनी सी कि आम लोगों के धियां पुत्तां नूं अगे करके इमानदार सरकार चुनी सी उहदा एक फस्ट जिहड़ा पहलू आ उह लोगों के सामने लियांदा है और लोगों की जिहड़ी लुट खसुट हो रही सी इहदे नाल जो जिहड़े ठेकेदार पुराने लुट खसुट करदे सीगे जां जिहड़े कोई समिति दे मैंबर जां जिहड़े कोई चेयरमैन विच रले होए सीगे नाल उहनां दे और जिहड़ी लुट खसुट हुंदी सी उहनां दा फायदा सरकार नूं नहीं हुंदा सी और फायदा जिहड़ा पोलीटिकल लोगों नूं हुंदा सी। इह पहली वारी होगा कि सरकार नूं जिहड़े पैसे वध आ रहे आ और सरकार दे दफ्तरां दे विच जिहड़े खजाने खाली दा रौला पाउंदे आ जिहड़ियां पिछलियां सरकारां पाउंदियां रहियां और खजाने नूं असीं पूरा भर के इत्थों जावांगे। की कारण रिहा कि जिहड़ियां पिछलियां बोलियां दे विच रेट घट मतलब देख लो जी 2018-19 च बोली नहीं हुई 2019-20 बोली नहीं हुई 2020-21 बोली हुई और 21-22 और 22-23 5% वाधे आप ही इन्होंने मते पाए हुए कि 5% वाधे से उही ठेकेदार द्वारा द्वारा जिहड़ा चहेत्या ठेकेदार सी इन्हां दा उन्हें द्वारा द्वारा इन्होंने बोली दित्ती है और इस बार भी बहुत जदोजहद करनी पई सानूं पहला हाई कोर्ट केस किया ब्लॉक के उत्ते साडे डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत न लड़िया और उन्हें जो उन्होंने हार दिखी है उन्हें वो केस वापस लिया उस तो बाद उन्हें सिविल कोर्ट के स्टे लिया उत्ते साडे डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत करके वकील करके साडा खर्चा नजायज करवाया उत्ते स्टे आप उन्होंने ब्रेक करवाया फिर उन्हें हाई सैशन कोर्ट के अपील की है वही ठेकेदार ने वह आप हम अपील खारिज होने तो बाद गल बोली हुई है कहने तो भाव है कि बड़ी जदोजहद करनी पई है और जो नैक्सस है कोई डूंगिया जड़ा वाले नैक्सस आ उपर तक रले हुए लोग उन्होंने सो ये पहली बार होया कि इमानदारी बोली हुई है। मैं वीडियो साहब का जिते धन्यवाद करता इन्हों की सारी टीम का जिन्होंने वकील साहबान जिन्होंने मेहनत की है वो बोली कराने वास्ते उन्हों का मैं धन्यवाद कर पिछली सरकार का मौजूदा जो पिछले विधायक ये सारा सरकार का ही रोल है जी जो हम सरकार इमानदारी काम कर रही है जे 74 लाख रुपया आमदन हो रही है सरकार को सरकार दे जे आमदन हुई तो वह भी साडी जिम्मेवारी है तो जे आमदन नहीं हो रही थी वह भी सरकार की जिम्मेवारी सी। सो जे उन्होंने तुम दस रहे हैं कि जो नलैकियां हुई ने रोल तो अपने आप भी क्लीयर उन्होंने पैरवाई नहीं की अपने अफसर की जे थले डिपार्टमेंट के ठेकेदार की पैरवाई नहीं की करते की पे है ये तो सीधा सिद्ध होंगे कि उन्होंने बिच बिच कि ना कि सारे उन्होंने चहेतियां का रोल जरूर हो सकता है। पर्ची चल रही है बोली हुण उही स्लिप लई जाऊगी वाधू कोई चार्जस नहीं लिया जाऊगा लोगों देखो ये साडियां समितियां हैगियां इलेक्टेड बॉडीज है इन्हां दा भी बड़ा वड्डा रोल है अगर ये अपना इलेक्टेड बॉडियां चंगी तरह रोल अदा करदियां तो शायद ये इनक्रीज अज तो 10 साल पहला तो आनी चाहिए सी। पोलीटिकल जड़िया साड़िया सरकार है उन्होंने इस चीज़ में चंगी तरह वेखते तो यह इनक्रीज अज तो 10 साल पहला तो आनी चाहिए सी। एक क्यों ये 2 साल च होया क्योंकि सरकार की मंशा साढ़े मंत्री साहब की मंशा तो साढ़े MLA साहब मंशा बड़ी क्लीयर तो साफ है कि कोई भी गलत तरह की कोई भी गलत गल असी इत्थे बर्दाश्त नहीं करांगे इस करके ही असी ये लड़ाई लड़के अज जितते हैं तो जित के जी साड़ी इनक्रीज वधी है।